हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारे सिलाई के वीडियो अपलोड किए हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत सारे सिलाई के वीडियो अपलोड होंगे। तो इस वक्त मैं बहुत सारे दुपट्टे का अपलोड कर रही हूँ वीडियो। तो ये एक दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है और ये बहुत ही हल्का शिफॉन है, बहुत सुंदर, मतलब बहुत सॉफ्ट दुपट्टा है, बहुत ठंडा करता है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसका भी थोड़ा सा रीयूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको अफ़गानी जो कुर्ती होती है, मैंने इसका लुक देने के लिए इसका मतलब चुना। तो मैंने गले का नाप लिया कि 4 इंच इसकी मुझे लंबाई रखनी है और चौड़ाई 2.5 इंच। फिर ऊपर से मैंने 10 इंच लिया था शोल्डर से, ताकि उसके 10 इंच छोड़ के मुझे सिलाई करना है। फिर मैंने अपनी बॉडी का पूरा फिटिंग लिया और उससे थोड़ा लूज मुझे ये वाला रखना था, फिटिंग इस बार नहीं करना था। तो मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है और फिर इसको मैंने सिलाई इस पहले मैंने इसको मार्क कर दिया, निशान लगा लिया और फिर मैंने इसको सिलाई के लिए करूँगी। तो इसमें गला, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में इसको बनाने का ट्राई किया है, ताकि बहुत ज़्यादा झंझट ना रहे। दुपट्टा है तो इसे आप रीयूज़ करने में बहुत सोचे नहीं कि किस तरीके से इसको किया जाए, इतना वक्त लगेगा, नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। तो मैंने एक सिंपल सी पतली सी मैचिंग करती हुई लेस लिया और जो गला है उसको ऊपर से फोल्ड करते हुए मैंने लगा लिया है। इसको मैंने अलग से गले में पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, ऊपर से ऐसे हल्का हल्का फोल्ड करते हुए मैंने ये लेस राउंड शेप में लगा दिया है। अगर आप चकोर गला चाहते हैं या फिर डिजाइनदार गला चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे सिंपल सा प्लेन गला चाहिए था, छोटा सा गोला सा, ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने लूज रखा हुआ है, कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाली कुर्ती मुझे थोड़ी सी लूज चाहिए। तो लूज कुर्ती में बहुत हैवी गला नहीं सही पड़ता, नहीं तो वो मीन्स गला आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही छोटा सा, मतलब कम से कम रखने की कोशिश किया, इतना रखा कि आराम से मेरी जो मुंडी है वो चली जाए। फिर यहाँ पे मैंने नीचे से स्टार्ट इसलिए किया है सिलने में, ताकि ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि नीचे दुपट्टे में पीको हुआ था। तो मैंने सोचा उसको काटूँ ना, ताकि लेंथ भी छोटी ना हो, प्लस वो अच्छा भी लगे। जब नीचे यहाँ पे पीको हुआ है तो अलग से कट कर सिलाई चलाने की क्या ज़रूरत है। आप चाहिए तो नीचे लैस वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपली पीको ही रहने दिया। फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे 10 इंच करने के बाद फिर मैंने इसको डबल सिलाई किया है, इसको राउंड यू टर्न लेके यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक साइड सिल दिया है और सेम प्रोसेस आपको दूसरी साइड भी करना है। तो बनने के बाद कुछ यूँ लग रहा था लुक, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब